मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियाँ। सबसे पहले नाम आता है भील जनजाति का। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग यानी कि झाबुआ, धार, खंडवा, बड़वानी और खरगोन में भीलों की बड़ी आबादी निवास करती है। इनका प्रमुख पर्व भगोरिया है, इसे प्रणय पर्व भी कहते हैं। भील जनजाति चार प्रमुख उपशाखाओं में बटी हुई है। भील, भिलाला, बोला और प्रटलिया। भील भारत की प्राचीन जनजातियों में से एक है। भील जनजाति की उपस्थिति का जिक्र अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी उपलब्ध है। भील शब्द संस्कृत भाषा के भील पठार से उत्पन्न हुआ है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति का संकेंद्रण झाबुआ और उसके आसपास के जिलों की पहाड़ियों पर है। भील धनुर्विद्या के लिए पहचाने जाते हैं। वे तीर कमान के जरिए अंधेरे में भी अचूक निशाना लगा सकते हैं। वास्तव में कहा जाए तो तीर कमान भीलों के सांस्कृत प्रतीक के तौर पर स्थापित हैं। भीलों की आबादी एक बड़े गांव के तौर पर रहने के स्थान पर दूर दूर रहना पसंद करती है। उनके घर खुले व हवादार होते हैं। वे अपने घरों की दीवारों पर कलात्मक चित्र बनाते हैं। उनकी इस चित्रकला को पिथोरा कहते हैं। भील अपने को महादेव का वंशज मानते हैं। उनके मतानुसार एक बार भगवान शंकर शरीर व्याधि के कारण घने पहाड़ी क्षेत्र में घूम रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट किसी जंगली जाति की नवयुवती से हुई। उसको देखने से ही भगवान महादेव की तन व्याधि दूर हो गई। देवता ने उससे विवाह कर लिया। उनके संयोग से अनेक संतानें पैदा हुईं। इनमें से एक बालक अत्यंत कुरूप था। इस बालक ने अवसर पाकर एक दिन भगवान शंकर के नंदियों का वध कर दिया। महादेव ने क्रोधवश उसे सघन वन प्रांतर में छुड़वा दिया। वह जंगल में रहने लगा और उसी के वंशज भील कहलाए। आप देख रहे हैं भारत फर्स्ट, सिर्फ पब्लिक फर्स्ट न्यूज पर।